गर्मी के दस्तक के साथ ही दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्याएं छाने लगी हैं। इसी कड़ी में रिसाली नगर निगम के रुआ बांदा क्षेत्र में 5 मार्च तक पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी, जिसको लेकर के अब आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। बता दें कि रिसाली में पानी सप्लाई करने वाली ओवरहेड टंकी में पानी पहुंचने वाली मेन पाइप लाइन में लीकेज आ गया है और उसे ठीक करने के लिए बुधवार तक का पानी सप्लाई को शटडाउन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण रसाली के रुआ बांदा के 3 वार्डों में दोनों टाइम पानी सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। सेक्टर में भी पानी मिल गया तो मिल गया, वहाँ भी बहुत भीड़ हो जाते हैं ना, किस किस को पानी देंगे, वो लोगों को भी जरूरत रहता है पानी का। टैंकर आया अभी तक? नहीं, अभी तक टैंकर आया ही नहीं, आएगा बोले मगर आया ही नहीं टैंकर। तो कब से बंद है पानी? कब से बंद? पानी 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। हर बार ऐसी समस्या होता है? हर बार ऐसी समस्या होती है, ज्यादा करके गर्मी में होता है। तो ये निगम वाले पहले चेतावनी बोले कि कुछ बोले कल बस बोल कर गए हैं कि शायद पानी नहीं आएगा ऐसा करके, और सही में पानी आया नहीं। कल से नहीं आया ना, कल से। कैसे पानी भरे आप लोग? पानी ये दे टंकी में थोड़ा बहुत थे व्हील भरकर। तो कितना समस्या हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है? पानी से बहुत समस्या हो रही है। तो टैंकर उनका आया अभी तक? नहीं आया टैंकर। तो निगम वाले कोई आए? नहीं आए कोई। बोले 5 दिन पानी, वो पाइप फट गया बोला था ना। तो कहाँ से भर रहे हैं पानी? बोरिंग से हो जाता पानी? बोरिंग से कहाँ हो, अब नल के पानी भरे का आदत पड़ गया है तो बोरिंग के पानी अब कष्ट करके भरे लगा थे। काफ़ी दिक्कत हो रहा पानी में? ना है तो दिक्कत नहीं होते, कष्ट करे तो लगे रहे भाई। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सोमनाथ साहू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सोमनाथ, देखिए पूरी समस्या को लेकर के हालांकि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि 5 तारीख तक पानी ना आना, ऐसे में जलापूर्ति कैसे होगी? जी बताना चाहूंगा, मामला पूरा रिसाली नगर निगम क्षेत्र के रुआ बांदा का है, जहाँ 5 तारीख तक पानी नहीं आएगा और पाइपलाइन डैमेज हो गया। जहाँ जी आपके पास पाइपलाइन लीकेज हो गया, इसी कारण पानी नहीं आएगा 5 तारीख तक। अभी गर्मी भी नहीं आया, गर्मी आया नहीं है, अभी ये हाल है रिसाली नगर निगम का। गर्मी आएगा तो रिसाली नगर निगम का क्या हालत होगा, इसमें जनता बहुत परेशान है। जहाँ पार्षद के पास गए थे तो पार्षद बोली शाम तक आ जाएगा, दोपहर तक, अब तक टैंकर नहीं आया। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, पाइप लीकेज की बात की जा रही है कि पाइप लीक हो रहा है, जिस वजह से पानी नहीं टंकी तक पहुंच पाएगा, तो ऐसे में उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर टंकी में पानी नहीं आ पाएगा तो क्या प्रशासन टैंकर भिजवाएगी या फिर कोई और समाधान इस पूरे प्रॉब्लम का? प्रशासन टैंकर भिजवाने की बात की है, अब तक अभी लोग इतने परेशान है, पानी अभी तक से नहीं पहुंचे हैं, और बच्चे लोग का पेपर भी है, इस कारण पानी की बहुत समस्या है रिसाली नगर निगम क्षेत्र में। चलिए आपका बहुत शुक्रिया सोमनाथ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।